नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर में नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष अर्चना सिंह को एक अज्ञात फोन से जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में बीते रोज काफी गहमा गहमी छतरपुर में देखी गई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह सहित कई भाजपा नेता सिविल लाइन थाने में इस मामले की रिपोर्ट लिखाने पहुंचे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भाजपा जनप्रतिनिधियों की सुनवाई होने में 8 घंटे का वक्त लग गया। रात करीब 2 बजे इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने FIR दर्ज की। इसी बात पर जब भाजपा नेताओं को इस पूरे मामले के माध्यम से ये पता चला कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में लगातार लोगों की अवहेलना हो रही है, तो बुधवार को इस मामले को लेकर आंदोलन भी किया गया। पहले सुनिए कि धमकी का पूरा मामला क्या था, इसे बता रही हैं छतरपुर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह। ये और दूसरी बात, एक कुछ दिनों से एक महिला जो है वो फ़ोन करती थी, जो कि पुलिस अधिकारी बन के वो उनसे बात करती थी और उनको मतलब जो वो उनके कहने के अनुसार वो कहती थी कि मैं तुम लोगों को अंदर करवा दूंगी या जो भी, मतलब पुलिस अधिकारी बन के वो बात करती थी। तो वो लोग बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि ये पुलिस अधिकारी किसी भी टाइम फ़ोन करती है रात में कभी भी ऐसे करके। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे वो नंबर दिया, तो मैंने मामले की तह तक जाना कि भाई दूसरा पक्ष भी सुन लिया जाए, ये हो सकता है पुलिस वाली हैं तो ये मुझे कुछ जानकारी दें। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब डरे हुए थे, माँ और बेटे दोनों। तो मैंने उस नंबर पे फ़ोन लगाया, तो उस नंबर पे पहले तो फ़ोन नहीं उठा, बाद में उनका पलट के ही आया। तो मैंने अपना पूरा परिचय दिया कि हाँ मैंने आपको फ़ोन लगाया था और मैं ऐसा ऐसा बोल रही हूँ, यहाँ से बोल रही हूँ, और आप मैंने उनका परिचय जानना चाहा कि आप किस विभाग से हूँ। तो उन्होंने मतलब कोई परिचय तो दिया नहीं मुझे बिल्कुल भी अपना, मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं आप होती कौन है मुझसे पूछने वाली और होंगी कहीं की, मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अभद्रता से बात की। क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को बात करना पड़ता है सबसे, जब हमारे पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो उसको हमें मामले की तह तक जाने के लिए सारे लोगों से बात करनी पड़ती है। तो उसी परिपक्ष में मैंने बात करने की चेष्टा की, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा अभद्रता की मेरे से। तो फिर उसके बाद मैंने बात करी, पुलिस विभाग में बात करी कि ऐसे ऐसे नंबर से मेरे पास कॉल आया, और चूँकि परिवार बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, परिवार के साथ वो काफ़ी दिनों से इस तरह का वारदात कर रही थी। तो क्योंकि अभी मुझे रिसेंटली, अभी आपने भी देखा कि किस तरह से विधायक नीरज दीक्षित जी के साथ भी कुछ ऐसे ही मामला हुआ, और अभी CBI बन के भी ऐसे हमारे ज़िले में एक वारदात हुई। तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए जो वास्तव में अपनी आइडेंटिटी छुपा के और कुछ दूसरी आइडेंटिटी ओढ़ के वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो मुझे लगा इसका पर्दाफाश होना चाहिए। तो एक आम व्यक्ति की मदद के दौरान किसी ने खुद को महिला पुलिस अधिकारी बताया और फिर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष को धमकाया। इस मामले में जब पुलिस की लापरवाही देखने को मिली तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता बुधवार को छतरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। यहां पर छतरपुर के सिविल लाइन थाने में पदस्थ TI राजेश बंजारे को हटाने की मांग की गई। दरअसल सिर्फ एक ही मामला नहीं, इसके पहले भी कई मामलों को उदाहरण के तौर पर गिनवाया गया और TI राजेश बंजारे पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए SP से मांग की गई कि उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। सुनिए भाजपा नेताओं ने क्या कहा। पिछले कई दिनों से सिविल लाइन थाने से अनियमितताओं की हमारे कार्यकर्ताओं और मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं रामशोक पटेल जी, इनके द्वारा शिकायतें आ रही थी। क्षेत्र में चोरियां बढ़ रही हैं, लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, लोग थाने जाते हैं तो या तो उनसे पैसों की मांग की जाती है या उन्हें प्रताड़ित करके भगा दिया जाता है। इस चीज़ को कल हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा जब श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह जी द्वारा अपनी एक धमकी की रिपोर्ट लेके थाने गई थी और उनको भी 2 घंटे थाने में बैठने के बाद FIR पुलिस द्वारा काटी गई। तो हम लोगों को समझ में आया कि हमारी सरकार का उद्देश्य है सबको न्याय मिले, स्वराज जी का उद्देश्य है महिलाओं के प्रति वो अति संवेदनशील हैं। अर्चना गुड्डू सिंह एक महिला होते हुए भी उन्हें धमकी मिली फ़ोन पर, एक फर्जी DSP अधिकारी बन के उनसे बात करी, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से ऐसा कोई रुख नहीं दिखाया जिसकी हम लोगों को लगे कि आम आदमी को जल्दी न्याय मिलता हो। इस चीज को लेके चूंकि छतरपुर विधानसभा के वो जनप्रतिनिधि हैं और हम सब लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ऐसे में पार्टी की सरकार बदनाम होती है। आज SP साहब से हम लोग ज्ञापन देने आए थे। लाइन थाना प्रभारी राजेश बंजारे के विरुद्ध एक ज्ञापन दिया है
जो उनके द्वारा अनियमितताएँ बरती जा रही हैं उसको लेकर हम लोगों ने आज विरोध दर्ज कराया है भाजपा के द्वारा, और मंडल हमारा जो पार्टी मंडल है इसमें भी बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं उसको लेकर हमने आज ज्ञापन दिया। और मेन मुद्दा हमारा जो कल महिला से संबंधित है, हमारे नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष अर्चना सिंह गुड्डू सिंह के, उनको लेकर जो उन्होंने FIR करने में देर की और अभी तक कोई जांच नहीं करी, उसके विरुद्ध हम लोग का ये ज्ञापन। इस ज्ञापन के बाद पुलिस अधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। छतरपुर में DSP अनुरक्ति साबनानी ने इस मामले में क्या कहा वो भी सुनिए। आवेदन दिया गया जिसकी कायमी थाना सिविल लाइन में की गई है। इसके संबंध में विलंब से कायमी के संबंध में आवेदन दिया गया है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक कार्यालय से की जाएगी। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसमें कार्यवाही की। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। Facebook पर इस खबर को देख रहे थे तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।